डॉक्टर क्रिक पॉइंट के आईपीएल 2023 के फर्स्ट एवर स्पेशल एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां पर हम बात करेंगे किसी एक पार्टिकुलर टीम के बारे में। और भैया आपको पता है कि हम आगाज करेंगे, आरंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे उस टीम के साथ जो मैदान पर आते हैं तो भैया रोर मचाते हैं, शोर मचाते हैं और मुंबई पल्टन, MI पल्टन कहलाते हैं। जी हां, हम बात करेंगे 5-time आईपीएल चैंपियंस, लेकिन 2022 में रास्ते रहे थे बड़े भैया कठिन, जो पहली ऐसी टीम बनी जो ऑफिशियल एलिमिनेट हुए आईपीएल प्लेऑफ से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन कांटों भरे रास्तों से गुजर चुकी है ये टीम, लेकिन अब आगे के अपने रास्तों में फूल बरसाना चाहते हैं और उसके लिए ऑक्शन आएगा तो कुछ कमाल करना होगा, रिटेंशन रिटेन में कुछ समझना, कुछ परखना होगा, किसको रिलीज करना है, किसको रखना है, इस पर भैया विचार विमर्श करना होगा और उसी के लिए हम आपके समक्ष हाजिर हैं। बात करेंगे, शुरुआत करेंगे और हम बात करेंगे आज की वीडियो में 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जो मुझे लगता है कि आईपीएल 2023 के पहले मुंबई इंडियंस यानी कि MI पल्टन अपने खेमे से रिलीज करते हुए यानी कि छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। आखिर कौन से वो 5 नाम होने वाले हैं, क्या कोई बड़ा नाम है, कौन है, कैसा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत ही स्पेशल एनालिसिस वीडियो है और भैया अगर इस तरीके की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप अपनी फेवरेट टीम पर, सभी टीमों पर देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, और लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच सके। तो ऐसे में सीधा मुद्दे की बात करते हैं, देर करने का कोई मतलब नहीं और मैं शुरुआत ही करूंगा बड़े नाम के साथ। आखिर जो है 2022 की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर ना उससे इन्फ्लुएंस होकर टीम कौन से बड़े निर्णय ले सकती है, तो सबसे पहला नाम जो मुझे नजर आता है देखिए भैया वो है कैरिबियन पावर KP यानी कि कैरन पोलार्ड। और जब हम कैरन पोलार्ड का नाम लेते हैं ना तो हमें दशकों से MI की सक्सेस याद आती है, क्योंकि उस पूरी सक्सेस जो है जो स्टोरी रही है ना MI टीम की उसके बहुत बड़े पार्टी इंटेग्रल पार्ट रहे हैं कैरन पोलार्ड। लेकिन 2022 में क्या हुआ, फॉरगेटेबल IPL सीजन KP के लिए रहा है, 6 करोड़ आपको टीम ने रिटेन किया, बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखाया। एंड इनफैक्ट हमने तो वो वीडियो भी की थी ना जहां पर हमने 6 बड़े खिलाड़ियों के रिलीज होने की बात की थी, वहां पर भी कैरन पोलार्ड का नाम था। और सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए आपको वो समझ में आता है ना कि MI टीम इज ऑल अबाउट फ्यूचर, ये फ्यूचर खिलाड़ियों में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड उस कड़ी में अगर आप जोड़ते हो ना तो शायद कैरन पोलार्ड अब उतने फिट नहीं बैठ पा रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे अब तो उतना मतलब फॉर्म में आने का और सारी चीजों का कुछ खास ज्यादा आसार भी नजर नहीं आ रहा। एंड IPL 2022 में देखिए क्या हुआ, मात्र 144 रन बना पाए, स्ट्राइक रेट था 107 का जब आप इस टीम के जाने माने फिनिशर थे, टीम ने बीच में आपको ड्रॉप भी कर दिया, आपके बर्थडे के दिन अगेंस्ट CSK आपको ड्रॉप किया गया और टिम डेविड जिनको टीम ने जो है जिन पर शुरुआत में भरोसा नहीं दिखाया था बाद में वो इस टीम के सुपरस्टार बन गए, गेम चेंजर बन गए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि MI टीम के पास कैरन पोलार्ड की रिप्लेसमेंट है, फ्यूचर स्टार है, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ये टीम कुछ टफ कॉल्स ले फ्यूचर के लिए ना, भविष्य के लिए ये कुछ बड़ी कॉल लेते हुए नजर आए। अब डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा हर्ट करेगा, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा MI के फैंस को, वो बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एंड सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस टीम को ओवरसीज स्लॉट भी खाली कराना है और पर्स भी चाहिए IPL 2023 ऑक्शन में जाते हुए, क्योंकि इनको और खिलाड़ी भी बाई करने हैं। सो अगर इन सभी चीजों को आप एक लाइन में रखोगे ना तो आपको लगता है कि इट्स अ टाइम कि देयर माइट बी दैट चांसेस कि शायद कैरन पोलार्ड को अब MI टीम रिलीज कर देंगे, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। हालांकि ये हो सकता है कि आप 2023 में फिर से जाकर उन्हें ऑक्शन में और कम प्राइस में चाहो कि वो आपकी टीम का हिस्सा बन जाए, दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी। बट अगर कैरन पोलार्ड को ये टीम अब रिलीज करे तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा। एंड देन इसके बाद हम बात करें नंबर 2 स्थान को लेकर, तो भैया एक ऐसा नाम ना जिसको लेकर डॉक्टर क्रिक पॉइंट काफी चर्चा में रहता है, IPL 2022 में काफी हम डिस्कशन में आए, चर्चाओं में आए। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टाइमल मिल्स को लेकर। अब टाइमल मिल्स का देखिए कड़ी आप लोग को पता है मिल्स के साथ क्या हुआ, एंकल इंजरी हुई, रूल्ड आउट हो गए IPL 2022 मिड सीजन से और टीम ने उनके रिप्लेसमेंट भी ऑप्ट कर ली। जब हालांकि हमने ये चीज रिपोर्ट की तो काफी खल गया खिलाड़ी को, लेकिन बाद में यही कुछ हमें देखने को मिला है। खैर उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन बात क्या है, देखिए फैक्ट ये है ना कि इस टीम को 2023 में जोफ्रा आर्चर ज्वाइन करेंगे, आई मीन जोफ्रा आर्चर जब ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू
रिप्लेस टाइमल मिल्स, फिर जसप्रीत बुमराह जोफ्रा आर्चर का आपको कॉम्बो देखने को मिलेगा। एंड वो मतलब है ही 11 में, उनको कोई रूल आउट नहीं कर सकता। अगर वो क्या अवेलेबल है तो प्लेइंग 11 में फिर जगह भी बना रहे हैं, और उसके बाद इस टीम को शायद जरूरत नहीं होगी। लेफ्ट आर्म पेसर है स्पेशली, तो आपके पास ऑलरेडी डैनियल सैम्स भी हैं, जयदेव उनादकट भी हैं अगर आप रिटेन करना चाहो तो। ओवरऑल यार देखो बात यही है ना कि इट्स प्रीटी क्लियर कि ये टीम नहीं कर रही रिटेन, ये नहीं कर रहे। और परफॉर्मेंस भी आपने आईपीएल 2022 में देखी, मतलब इकॉनमी जो उनकी रही वो 11 प्लस के आसपास रही, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, पर समझ नहीं आया अपनी टीम के लिए है या फिर सामने वाली टीम के लिए, क्योंकि बहुत पिटाई हुई भैया, बहुत ठुकाई पिटाई की गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोई सेंस नहीं बनता कि एमआई टीम यहां पर सैड टाइमल मिल्स को रिटेन करें। और वैसे भी आपके पास ट्रिस्टन स्टब्स एज अ रिप्लेसमेंट आपने उनको साइन किया, साउथ अफ्रीका के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज, हालांकि फिर भी आपके पास ऑप्शन है अगर आप चाहो तो आप टाइमल मिल्स को ले सकते हो अपनी टीम में, रिटेन कर सकते हो, पर मुझे लगता है कोई सेंस ही नहीं बनता। 1.5 करोड़ का प्राइस था, तो प्राइस टैग तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये टीम अपने स्लॉट को खाली कराएगी, ऑप्शन में जाएगी, कुछ और नए खिलाड़ी भर्ती कराएगी, जोफ्रा आर्चर आएंगे, तो ऑब्वियसली ये टीम टाइमल मिल्स को रिलीज करते हुए नजर आएंगे आईपीएल 2023 के पहले, दैट्स व्हाट आई फील। एंड देन बात करें नंबर 3 खिलाड़ी को लेकर, तो भैया एक और ऐसा नाम जो ऑलमोस्ट श्योर शॉट है कि रिलीज कर दिए जाएंगे आईपीएल 2023 के पहले, और वो नाम होने वाले हैं कैरिबियन प्लेयर फैबियन एलन, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। अब देखिए सच बात तो यही है ना कि ये कभी एमआई के प्लान्स में फिट हो ही नहीं पाए। 2022 में हमने देखा कि टीम वो थोड़ा सा नहीं हो पाया, वो ओके जैसा रहा, लेकिन बात कुछ खास ज्यादा बनी नहीं। एमआई टीम को ना अगर आप इनकी दरकार देखोगे 2023 में जाते हुए, दे नीड सम प्रॉपर ऑलराउंडर, स्पेशली जब हार्दिक पांड्या आपके पास नहीं है, कैरन पोलार्ड की फॉर्म भी नहीं है, आप शायद उनको भी रिलीज कर दो, सो ऑब्वियसली यू नीड टू फिल दैट स्लॉट, और उसके लिए ये टीम ऑप्शन की तरफ देखेगी, ये टीम नहीं देख रही है फैबियन एलन की तरफ, क्योंकि आपने मौका भी तो कितना दिया, एक ही इनिंग तो खेलने को मौका दिया, उसमें भी कुछ खास ज्यादा परफॉर्मेंस आई नहीं, इकॉनमी मतलब पिटाई तो काफी ज्यादा हो गई। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर बात वही है ना कि वो कभी उस स्कीम ऑफ थिंग में फिट हो ही नहीं पाए हैं, एंड ये टीम शायद एमआई इस चीज को समझ भी गए हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट श्योर शॉट कि आप जब ऑक्शन में जाओगे तो आप सैम करन, बेन स्टोक्स, बड़े सारे प्लेयर्स की तरफ देखने वाले हो, तो आई थिंक कि ऑब्वियसली इट्स अ क्लोज डोर फॉर फैबियन एलन, और ये टीम शायद उनको रिलीज करके पर्स में थोड़ा सा एडिशन कराएगी, एक स्लॉट खाली कराएगी, जिससे आगे चलकर ये और खिलाड़ियों को खरीद सकते। एंड देन इसके बाद बात करें नंबर 4 स्थान को लेकर, तो भैया एक ऐसा नाम ना जिसको मैं चाहता था कि ये टीम बैक करे, थोड़ा सा फेथ दिखाए, ट्रस्ट दिखाए, पर इन्होंने नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं मयंक मार्कंडे को लेकर। मयंक मार्कंडे देखिए आपकी टीम से स्टार बने थे, फिर राजस्थान में गए, उन्होंने बेंच पर मतलब वो बेंच पर ही बैठे रहे, बेंच वार्म की, फिर आपकी टीम में आए, मुझे लगा आप मौका दोगे, लेकिन आपने भी उनको बेंच पर ही बिठाए रखा। आपने सिर्फ 2 मुकाबले में उन्हें मौका दिया जहां पर वो सिर्फ 1 विकेट चटकाने में सफल रहे, तो परफॉर्मेंस वाइज भी शायद आपने उतना मतलब बैक भी नहीं किया और उनकी परफॉर्मेंस आई भी नहीं। तो ओवरऑल बात वही है कि यार लेग स्पिनर के तौर पर ना आपने नहीं देखा उनकी तरफ, और फिर आप मुर्गन अश्विन पर ज्यादा ट्रस्ट दिखाया, आपने ऋतिक शौकीन को ज्यादा चांसेस और ज्यादा बैकअप आपने प्रोवाइड करने की यहां पर कोशिश की, मुर्गन अश्विन एंड ऑल, तो ये दिखा कहीं ना कहीं कि शायद आपको उतना ट्रस्ट अब मयंक मार्कंडे पर नहीं रह गया है, और इसीलिए सरप्राइजिंगली एंड शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होकर भी मुझे ये कहना पड़ेगा कि अगर ये टीम रिलीज कर दे मयंक मार्कंडे को तो कोई बहुत बड़ी यहां पर बातचीत नहीं होगी। हालांकि रख भी सकते हैं, क्वालिटी प्लेयर है, शायद आगे उनका प्लान थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस तरीके की इस टीम की स्ट्रेटजी मुझे समझ में आ रही है आगे चलते हुए, हो सकता है कि ये फॉरेन स्पिनर पर इन्वेस्ट करना चाहे, मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेटजी वाइज ये कर सकते हैं, फैबियन एलन को रिलीज करके, मार्कंडे को रिलीज करके। तो ऐसे में अगर फिर आपको इस तरीके की स्ट्रेटजी के साथ जाना है तो शायद ये टीम मयंक को रिलीज करते हुए नजर आ सकते हैं। एंड देन हम बात करें इस लिस्ट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन सबसे बड़ा नाम आप समझ चुके हो, मैं बात कर रहा हूं नंबर 5 पर ईशान शानदार किशन के बारे में। और भैया अगर इस टीम ने इनको रिलीज किया ना तो शायद ये इनकी आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी रिलीज होगी, इतना ज्यादा ट्रस्ट, इतना ज्यादा फेथ दिखाने के बाद। 2022 मेगा ऑप्शन में हमने देखा था वो पैडल नीचे जा ही नहीं रहा था, हमको चाहिए ईशान किशन, कुछ भी कर लो। तो ऐसे में अब देखना रहेगा कि एक साल की परफॉर्मेंस के बाद क्या वो ट्रस्ट टूटा है या फिर अभी भी एज इट इज बरकरार है। देखो आप जब मैं ये कहता हूंगा ना तो शायद आप में से काफी लोग ये सोचते होंगे और सोचना चाहिए भी कि यार इतना कुछ तो गलत ईशान किशन ने किया नहीं है, क्यों उसके पीछे पड़े हुए, यार अच्छा खिलाड़ी है, क्वालिटी प्लेयर है, अच्छा करेंगे वो आगे चलकर। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि आप आंकड़े देखोगे तो आपको स्ट्राइक रेट हटा दो 120 का, वो शोभा नहीं देता। देखिए 120 के स्ट्राइक रेट से आपको खेलने के लिए नहीं रखा गया है, जो कि बहुत सीधी सी बात है, लेकिन रन तो उन्होंने बनाए हैं, 400 प्लस रन है, 30 प्लस की एवरेज है, 32 की एवरेज है, तो यार इतना बुरा तो उन्होंने कुछ खास ज्यादा किया नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन देखिए
होता क्या है ना, देखिए सिचुएशन तब खराब हो जाती है जब आप ये देखते हो कि MI की परफॉर्मेंस इस साल किस तरीके की रही, अब उसमें ईशान किशन का क्या कितना बड़ा रोल रहा, क्या वो परफॉर्म कर सकते थे, नहीं किया, कहाँ पर चूक हुई, जब आप उस चीज़ को देखते हो। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जब आप प्राइस टैग को देखते हो, देखिए बहुत ही सीधी सी लाइन है, विथ प्राइस टैग कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे में जब इतना बड़ा प्राइस टैग आपके ऊपर लगाया गया था ना, तो आप पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई थी, आपसे बड़ी उम्मीदें भी लगाई गई थी, और उन उम्मीदों पर शायद आप खड़े नहीं उतरे हो। अब जो चीज MI टीम को हर्ट करेगी वो ईशान किशन का नाम नहीं है, ईशान किशन का प्राइस टैग है। 15 करोड़ उन्हें हर्ट करेगा। ये नहीं वो चाहेंगे कि ईशान किशन हमारी टीम में ना हो, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि ईशान किशन खेले, लेकिन क्या 15 करोड़ देकर आप उन्हें खिला पाओगे, क्या आप ये अफोर्ड कर पाओगे? दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर इस टीम को ढूंढना है, इस टीम को देना है। तो ऐसे में अगर आप खिला सकते हो तो ऑब्वियसली आप उन्हें रिटेन करो, आप उनके साथ कंटिन्यू करो, नहीं तो आपको लगता है कि हम ऑक्शन में जाकर उन्हें और सस्ते प्राइस में खरीद सकते हैं, हम खरीद लेंगे, लेकिन थोड़ा सा और अब प्राइस अगर 2-4 करोड़ भी कम हो गया तो हमें संतुष्टि रहेगी, तो उस चीज के लिए आप उनको रिलीज कर सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिस चीज के साथ ये टीम जाना चाहती है। एंड अगर आप ईशान किशन की तरफ नहीं जा रहे हो तो ऐसे में आप फिर जयदेव नाटकट, बासिल थम्पी, कुछ ऐसे नाम है जिनकी तरफ ये टीम देख सकती है कि भैया हमें रिलीज करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी कंसीडर करना है ना कि आपको जो है थोड़ा सा पर्स चाहिए, आप 2023 में ना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अभी ये टीम तैयार नहीं हुई, अभी कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिनमें काम करना इस टीम को बाकी रह गया। तो ऐसे में अगर आप ईशान किशन को रिलीज कर दोगे, अगर ऐसा आप करते हो और उसके बाद कारण पुलाड, तो कुल मिला के ओवरऑल आपके पास 22-23 करोड़ रुपए आने वाले हैं सारे खिलाड़ियों को मिलाकर। एंड अगर आपके पास इतनी पर्स आ गई ना, वो भी मिनी ऑक्शन में जाते हुए, तो फिर आप किसी को भी खरीद सकते हो, जिसको टारगेट करोगे पार्टिकुलरली, एटलीस्ट 1-2 प्लेयर तो आपकी आपको आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो तो आपकी टीम में रहेंगे। तो स्ट्रैटेजी वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि MI टीम क्या कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप नहीं ईशान किशन को रिलीज करोगे तो शायद मुश्किल से आपके पास 10-12 करोड़ रहेंगे। अब 10-12 करोड़ में आपको कितने क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए, कैसे चाहिए, और फिर मिनी ऑक्शन में आपको पता है बहुत फाइट होती है, और इस बार कुछ तगड़े प्लेयर्स आने भी वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो देखना रहेगा फिलहाल MI टीम क्या करती है, स्ट्रैटेजी वाइज क्या करते हैं, क्या ये रिलीज करेंगे, टैक्टिकल चेंजेस करेंगे, या फिर थोड़ा सा अपने खिलाड़ियों को बैक करेंगे। This is going to be a very big factor. आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। और ये रहा हमारा पूरा एनालिसिस, पूरा लेका जो का हमने डिस्कस किया, कौन सी टीम पर, कौन से टॉपिक पर आपको नेक्स्ट पार्टिकुलर वीडियोस चाहिए, ये बात आप मुझे हमारे सोशल मीडिया पर आकर मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, मैं पढ़ता हूँ भैया, मैं सबके DM पढ़ता हूँ। तो आप लोग मैसेज करो, थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके दोस्तों के साथ भी ना मतलब वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी फैलती रहे, हमारी फैमिली भी बढ़ती रहे। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।